आज उत्तराखंड और पूरे देश के लोगों को समर्पित कर रहे हैं। उत्तराखंड की महिलाओं के परिश्रम को, उत्तराखंड की महिलाओं के हुनर को, उत्तराखंड के लोगों के जो जंगल खेती उससे बने उत्पाद को आज हमें खुशी है कि देहरादून प्रदेश की राजधानी देहरादून और देहरादून में जो प्रमुख मैं सोचता हूँ राजपुर रोड, अगर हम देहरादून की बात करते हैं जब देश की बात करते हैं तो बिना देहरादून के हिंदुस्तान की बात नहीं की जा सकती। और उत्तराखंड में जब हम राजपुर रोड के बिना देहरादून की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ऐसे प्रमुख स्थान पर जो एक बहुत बड़ी समस्या थी विशेष करके उत्तराखंड की महिलाओं की, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की, जिनके अंदर हुनर है, जिनके अंदर उत्पाद करने की क्षमता है लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा था, उत्पाद से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम हमारी कविता जी ने ये खादे हाट के माध्यम से आज उन्होंने शुरुआत की है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इसमें बम्बू बोर्ड, अब तक आपने जब हम बम्बू की बात करते थे तो केवल असम और अरुणाचल प्रदेश की बात, जब हिंदुस्तान में कभी भी बम्बू शब्द का यूज होता है, बांस का यूज होता है, तो लोग सोचते हैं ये केवल असम और उधर नॉर्थ ईस्ट की बात होती है, लेकिन ये पहली बार प्रयास हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से बम्बू को एक घास की प्रजाति को किसको प्रतिबंधित 1980 फॉरेस्ट एक्ट के बाहर निकाल करके और इसको एक तरह घास की प्रजाति में लिया है कि इसको आप एक खेती के तरह इसको उत्पादित कर सकते हो और इसको काट सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय मैं सोचता हूँ आज ये बन गया है। और हमने तो एज फॉरेस्ट मिनिस्टर, मैंने चाहे जिम कॉर्बेट पार्क हो चाहे राजनेशन पार्क हो, सभी बंगलों में हमने निर्णय लिया कि हम केवल बम्बू के फर्नीचर और बम्बू का ही सामान हमारे फॉरेस्ट के बंगलों में प्रयोग होगा। ये शुरुआत हम उससे कर रहे हैं। मंत्री, हम हमको शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है जी, सभी स्कूलों में फर्नीचर के लिए, और माने सतपाल महाराज जी और इसमें आज बम्बू बोर्ड के साथ साथ जी सिल्क फेडरेशन माने सुबोध उनियाल जी भी हमारे बीच में आ रहे हैं। हमारे माने पर्यटन मंत्री जो कभी इसमें और ग्राम विकास का भी बहुत बड़ा योगदान है, और अजय सिंह जी का जी सर।